हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल कर लिया। 15 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ करने पर असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी होना, जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। बीआरएस के सीनियर रुकन असेंबली साबिका वजीर टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल कर लिया। 15 अगस्त 2024 तक किसानों के कर्ज माफ करने पर असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी हो जाने का ऐलान किया। बसूरत दीगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहदे से मुस्तफ़ी होते क्या रेवंत रेड्डी से इस्तीफा किया। संगारेड्डी में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। हुकुमरान जमात पर वादों की तकमील के लिए दबाव डालना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि वो 26 अप्रैल को असम्बली के सामने मौजूदा यादगार शहीदान के पास पहुँचेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मुतालबा किया कि वो भी पहुँचे और 15 अगस्त से कबल 6 गारंटीज़ पर अमल करने की कसम खाएं और साथ ही 15 अगस्त तक किसानों के मुकम्मल कर्ज माफ़ करें। अगर हुकूमत की जानिब से कर्ज माफ़ कर दिया गया तो वो असम्बली की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और ज़मीनी इंतखाबात में मुकाबला भी नहीं करेंगे। कर्ज माफ़ ना करने की सूरत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहदे से मुस्तफ़ी हो जाने का रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया। हरीश राव ने कहा कि उन्हें अहदों से ज़्यादा अवाम की फलाह व बहबूद अजीज़ है। माजी में रेवंत रेड्डी ने कुड़ंगल से शिकस्त हो जाने पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान करने के बाद रेवंत रेड्डी ने अपना अलहदा से राह फरार इख्तियार की। कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटीज़ पर 9 दिसंबर को अमल करने का वादा करते हुए अनहरीफ किया। वादों के खिलाफ वर्जी करना, पार्टियाँ तब्दील करना रेवंत रेड्डी की आदत है। इंतखाबात में आवाम से किए गए वादों पर अमल करने का मुतालबा करने पर पार्टी को मंसूख कर लेने का डिमांड करना मजाक खेज है। इख्तदार हासिल करने के अंदरून 100 यौम में 6 गारंटीज़ पर अमल करने का सोनिया गांधी ने मकतूब रवाना करते हुए आवाम से वादा किया था। 120 दिन गुजर जाने के बाद भी वादों पर अमल नहीं किया गया। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को महीना 2500 रुपये मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। हुकूमत से इस्तीफारा किया। किसानों को फी एकर 15,000 रुपये रैतु बंधु क्यों नहीं दिया जा रहा। धान पर 500 रुपये बोनस कब दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता कहाँ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 6 के जुमला 5 गारंटीज़ पर अमल करने का ऐलान कर रहे हैं मगर हकीकत में कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। वादों से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। अवाम के लिए कांग्रेस पार्टी नाकाबिले भरोसा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट असेंगण अमरवीर स्तूपा की नैन रही मनमिदर अमरवीर साक्षिग प्रमाण से आगस्ट 15वीं तेदी लक्षणमाफी बांड पेपर राशि सोनिया गांधी गेख राशि राहुल गांधी प्रियांका गांधी नुह మీరందరూ ప్రజలకు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామని చెప్పిన 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీలు 15 ఆగస్టు లోగా అమలు చేస్తానని నువ్వు ప్రమాణం చేయి. నేను కూడా ప్రమాణం చేస్తా. ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి గారు 15 ఆగస్టు లోగా 6 గ్యారెంటీలు నిజంగా అమలు చేస్తే నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి అక్కడే రాజీనామా చేస్తా. మళ్ళా ఎన్నికల్లో కూడా వచ్చే ఎన్నికల దాకా మళ్ళీ పోటీ కూడా చేయ ఉప ఎన్నికలు అట్లీస్ట్ నాకు కూడా తృప్తి ఉంటుంది. ఒక 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉన్న దానికంటే కూడా కోట్ల మంది ప్రజలకు రుణమాఫీ జరిగి 6 గ్యారెంటీలు అమలయ్యేటువంటి సంతృప్తి నాకు మిగులుతుంది. నా పదవి కంటే కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు కావడంలో నాకు ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది. నాకు నేను పదవి కోసం నేను బాధలు అట్టలేదు. నువ్వు చెయ్యాలనే కోరుకుంటున్నా. నువ్వు సవాల్ చేసినావు కదా. एहचे न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।